दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल आप लोग पेटीएम से कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पूरा प्रोसेस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोह में। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे आप लोग को पेमेंट करना है। देखिए सबसे पहले आपको पेटीएम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम इंस्टॉल करके रखे हैं, सिंपल सा इसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको लॉगिन हो जाना है। जब लॉगिन होंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अगर इस टाइप का नहीं आता है तो आप यहाँ पे सर्च में कोई भी ऑप्शन सर्च करेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें सर्च कर पाएंगे। तो देखिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल करके आएगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है लिमिटेड है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे आपको अपना फिलअप करना है। जो अकाउंट नंबर आपका होता है वही आपको फिलअप करना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना। तो यहाँ पे हम फिलअप कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे कितना बिल ड्यू है यहाँ पे वो दिखाएगा, कितना पेमेंट आपको करना है, बिल कितना आपका आया। तो इसमें 452 रुपये आया है तो ये हमारे सामने आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कोई अप्लाई कैशबैक ऑफ़र वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इसमें से हैं। अगर यहाँ पे सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट करके एक ऑप्शन है, अगर इसको इनेबल कर देंगे कि अगली बार जब आपका बिल आएगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप इसको ऑफ कर देंगे। उसका पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। अगर आप भीम यूपीआई वगैरह चलाते हैं, पेटीएम एक्टिवेट कर रखे हैं तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वॉलेट वगैरह में अगर पैसा है उससे करना चाहते हैं तो वो यहाँ से नफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे वॉलेट में पैसा नहीं है, सीधे हम अकाउंट से करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन है। अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जिससे करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यूपीआई से ही करने वाले हैं। सिंपल सा पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट जो भी आपका पिन है वो फिलअप करना है और इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे पिन जो हमारा है वो फिलअप कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए कि आगे का प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, आपको थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है, बैंक वगैरह नहीं करना, बैंक नहीं जाना। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो गया है, यहाँ पे इसको आगे का प्रोसेस होने देते हैं। देखिए यहाँ पे बिल जो है वो जमा हो गया है और आपको इसकी रसीद डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस करके मिलेगा, ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना पेमेंट करना है। और रिसिप्ट देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी डाउनलोड भी हो जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।